नमस्ते, मैं जूली आप सबको स्वागत करती हूँ मेरी किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ रेशमी पनीर। इसे बनाने में आपको सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। रेशमी पनीर बनाने के लिए 200 ग्राम पनीर लिया है, 2 बड़े चम्मच तेल, अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 लंबे शेप में टमाटर कटा हुआ, 1 शिमला मिर्च कटा हुआ, 2 प्याज लंबे शेप में काट लिया है, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच आखा जीरा, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर। फिर हम क्रीम ले लिए हैं, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा धनिया पत्ता। तो चलिए गैस ऑन कर लेते हैं, फिर इस पे हम ये पैन रखेंगे। पैन गर्म हो गया है, इसमें हम ये जो तेल रखे वो डाल देंगे। तेल गर्म हो गया, इसमें हम 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा थोड़ा सा ब्राउन हो गया है तो फिर इसमें हम प्याज डाल देंगे, इसे हमें थोड़ा देर पकाना है। ये प्याज थोड़ा सा देखिए ब्राउन हो गया है तो फिर हम इसमें ये शिमला मिर्च और टमाटर रखा है वो डाल देंगे। इसे हमें थोड़ा देर पका लेना है। ये देखिए थोड़ा देर पका लिए इसको हम। अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट जो रखे हैं वो डाल देंगे 1 चम्मच। ये देखिए अदरक लहसुन पक गया है तो इसमें हम अब सूखा मसाला डालेंगे, तो गैस का फ्लेम मीडियम रखें। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर मिला दे अच्छे से। फिर हम इसमें ये पनीर जो रखे हैं वो डाल देंगे। नमक डाल दे स्वाद अनुसार, अच्छे से मिक्स कर दे इसको। ये देखिए सारे चीज़ें अच्छे से मिला दिए है। अब इसमें हम क्रीम डालेंगे, 2 बड़े चम्मच क्रीम डाल दे। क्रीम डालने के बाद हम इसे ढक के पकाएंगे 1 मिनट। ये देखिए 1 मिनट हो गया है, मिला दे अच्छे से। हमारे पनीर की सब्ज़ी बन के रेडी है। तो लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो चलिए सर्व कर लेते हैं। ये सब्ज़ी बनाने में आपको मैक्सिमम 5 से 6 मिनट लगेगा। ये जितना जल्दी बन जाते उतना खाने में भी बहुत टेस्टी है। ये देखिए हमारे सब्ज़ी कितना लाजवाब दिख रहा है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज का ये रेसिपी आपको पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।